आ रही है कि छात्रों का बंद आज आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट को लेकर होने वाला है, पर आज छात्रों का आंदोलन जो है, छात्रों ने बिहार बंद का ऐलान किया है। जो खबर है उसके मुताबिक पूरे बिहार में बंद किया जाएगा। विपक्ष ने छात्रों के समर्थन का ऐलान किया है, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज की तारीख 28 जनवरी को भी देखिए आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट पर आज छात्रों का आंदोलन होना है। छात्रों ने बिहार बंद का ऐलान किया है और तमाम विपक्षी पार्टियों ने भी छात्रों के बंद को समर्थन देने का ऐलान किया है। उधर खान सर ने एक वीडियो जारी कर छात्रों से अपील की है कि वो आंदोलन ना करें। छात्रों की हर बात को मान लिया गया है। उन्होंने छात्रों से अपील करते हुए कहा कि आंदोलन में शामिल होना आपके लिए गलत साबित हो सकता है। देखिए 28 जनवरी को किसी भी तरह के किसी भी प्रोटेस्ट में आप हिस्सा न लें, ये आपके लिए गलत साबित हो जाएगा। हम आपकी सारी समस्याओं को एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। देखिए अभी एक वीडियो आया बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी थे, उन्होंने कहा कि वो रेलवे मंत्री से बात किए, वो स्टूडेंट के मांग के सहमत है। और आरआरबी रेल मंत्री भी इस बात से सहमत है कि वो 20 गुना रिजल्ट देंगे, अर्थात ओरिजिनल जो है नंबर रिपीट नहीं करेंगे, यूनिक नंबर जो दिए जाएंगे, अर्थात 3.5 लाख और लड़कों को जोड़ा जाएगा। एनटीपीसी वालों की समस्या खत्म, ग्रुप डी वालों की जो समस्या थी उनके लिए CBT 2 को जो अचानक जोड़ा गया था उस पर भी वो सहमत हो गए, इसे भी हटा देंगे वहां पर। इस पर प्रधानमंत्री का भी इंटरफेरेंस था, जिस वजह से ये आसानी से हुआ। अब बातों को समझिए, इसमें गलती रेल मंत्री या प्रधानमंत्री की ओर से नहीं थी, इसमें गलती आरआरबी की ओर से थी। आरआरबी को स्टूडेंट की समस्याओं से मतलब नहीं था और आरआरबी भी कुछ चीजों से जूझ रही थी। उसको इतने बड़े एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए कोई कंपनी जल्दी नहीं मिल रही थी। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये राज्यों में हो रहे चुनाव के मद्देनजर ऐसा डिसीजन लिया है, ये गलत है। देखिए ये किसी टीचर या स्टूडेंट का स्टेटमेंट नहीं, ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड स्टेटमेंट है। हम बताते हैं क्यों ऐसा नहीं होगा, रेलवे को अपनी बात क्यों माननी पड़ेगी। क्योंकि ये जो संशोधन और कमेटी बनाई गई है और ये जो डिसीजन लिया गया कि 20 गुना रिजल्ट और CBT 2 ग्रुप डी से हटाया जाएगा, ये रेल मंत्री का डिसीजन है और इसमें PMO इन्वॉल्व है, न कि आरआरबी का। अगर आरआरबी का रहता तो आरआरबी मनमानी करती, लेकिन उसके ऊपर PMO का डेडलाइन है। PMO जिस डेट को दे दी उसको हर हाल में मानना है, इसलिए आपकी हर मांग को मान लिया गया है। आप किसी भी तरह का कल कोई प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप प्रोटेस्ट करेंगे तो उसके बीच में कोई दूसरा आदमी भी आके वायलेंस कर देगा। आरा में जो ट्रेन जला दी गई या फिर गया में ट्रेन जला गई, क्या विद्यार्थी कह सकता है कि उसके आड़ में किसी दूसरे ने नहीं किया हो? कहेगा कोई भी? भुगते नहीं स्टूडेंट, आपके लिए हम खड़े हैं बाबू, आपके हर मांगों को हम शुरू से ही उठाते हैं। लेकिन जब हम वहां जाते हैं मंत्रालय में बात करने के लिए या बोर्ड ऑफिस में बात करने के लिए, तो वहां हम क्या जवाब देंगे किसी हिंसा का? वो यही पूछेंगे ना, जब बातें मान ली गई है तो आप क्यों हिंसा कर रहे हैं? तो इसलिए आप कल किसी भी तरह का एक कह रहा है कोई भारत बंद होगा, क्यों भैया? अब आपकी स्टूडेंट की मांग हो गई, खत्म कहानी। अब आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ऐसे किसी भी और फेक न्यूज अफवाहों पर ध्यान नहीं दीजिए। कुछ भी जो यूट्यूब वाले हैं कुछ भी लिख देते हैं, ऐसी चीजों से आप बचिए। किसी भी डिस्ट्रिक्ट का कोई भी लड़का कल कोई भी प्रोटेस्ट या वायलेंस नहीं करेगा। हम कोई भी शिक्षक हम हो या कोई टीचर, सारे टीचर परेशान है कि कल के प्रोटेस्ट को कैसे भी रोकिए। सारे टीचर से भी कहते हैं कि आप तत्काल वीडियो रिलीज कीजिए कि कल कोई भी स्टूडेंट किसी भी डिस्ट्रिक्ट का हो। रेलवे को इंटेलिजेंस मिला है, रेलवे इंटेलिजेंस वाले हमको कह रहे हैं कि गोरखपुर के कुछ लड़के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। गोरखपुर के लड़के क्या अलग से हैं? आप कहीं के भी हो, बिहार, नवा